नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके नंबर पर कोई कॉल कर रहा है, अगर आपके पास कॉल नहीं आ रहा है, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किसी एक नंबर का अगर कॉल नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये नंबर है मेरा, इस नंबर से मुझे कॉल नहीं आता, बट अगर इस नंबर से कॉल किया जा रहा है तो आ रहा है, ठीक है। तो वैसे में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये गलती से हमारा नंबर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं जैसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ये ऐड टू ब्लैक लिस्ट और ये हो गया ब्लैक लिस्ट में। तो अभी ये नंबर हमारा ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ है। अब इस नंबर से जब भी कॉल किया जाएगा मेरे नंबर पर, तो या तो बिजी बताया गया, स्विच ऑफ बताया गया, कुछ ना कुछ रीज़न बताता रहेगा, लेकिन कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में इस नंबर से हमारे पास कॉल नहीं आ पाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर इसको अनब्लॉक कर देना है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है थ्री डॉट के ऊपर, फिर आपको आ जाना है ब्लॉक रेसिंग कॉल्स के अंदर। यहाँ पर आने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लॉक ब्लैक लिस्टेड नंबर्स। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके आपको वो नंबर सिलेक्ट करना और यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। तो अब ये जो ब्लैक लिस्ट का जो प्रॉब्लम था, ये तो सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपका किसी भी नंबर से कॉल नहीं आ रहा आपके फ़ोन पर, तब आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर तीन डॉट के ऊपर फिर से क्लिक करना है, कॉल सेटिंग के अंदर आपको आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर रीडिंग सेटिंग चलता है। तक मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो नंबर है, उस नंबर पर आप देख लो अपना रिचार्ज है या नहीं। अगर आपके नंबर पर रिचार्ज खत्म हो गया होगा, तब भी कॉल नहीं आती है इस सेटिंग, मतलब अगर आपका रिचार्ज वगैरह खत्म हो जाता है, तब ये जो कॉल आना जाना है ये बंद हो जाती है। तो आपको अपना पहले रिचार्ज एक बार चेक कर लेना है। अगर आपका रिचार्ज है उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो आपको ऑलवेज फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखना कोई आपका नंबर तो नहीं यहाँ पर लगा हुआ, यानी कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग पर तो नहीं लगी। अगर लगी है तो आपको यहाँ पर टर्न ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पर मेरे को टर्न ऑन का ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर टर्न ऑफ का रहेगा, तो आपको यहाँ पर टर्न ऑफ उसको कर देना है। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व होती, तब आपको यहाँ पर ब्लॉक हैरेसिंग कॉल्स के अंदर आना है और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको आप सभी को ऑफ कर देना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके की ये जो आपकी सेटिंग है, इन सभी को आपको बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी बनी रहती है, तब आपको क्या करना, तो आपके अपने फ़ोन में देखना कोई ऐसा एप्लीकेशन तो आपका इंस्टॉल नहीं है जिसके थ्रू ये कॉल्स ब्लॉक हो रही हो, यानी कि जो नंबर अनसेव होते हैं उनसे भी कॉल नहीं आती। इस तरीके के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में है, इसको मैं आपको ओपन करके यहाँ पर इसमें समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद सेटिंग के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये तीन ऑप्शन है जिसमें कि देख सकते हो नंबर नॉट इन कॉन्टैक्ट, तो ये नंबर ब्लॉक हो जाएगा, इस नंबर से हमें कॉल नहीं आएगा। तो इस तरीके की एप्लीकेशन होती हैं कुछ, तो आप देख लेना आपके फ़ोन में इस तरीके का कोई एप्लीकेशन तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना।